डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस सीरीज में, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि उनके पास क्या क्या ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से दे हैव इंडस्ट्रियल यूज, उनका इंडस्ट्री में यूज है। तो हम इन प्रॉपर्टीज में देखेंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हो सकती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सो इन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर। अगर हम सिलिकॉन्स की केमिकल स्टेबिलिटी देखें तो एक प्रॉपर्टी है उसकी, किसी भी कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना स्टेबल है केमिकली। तो जो सिलिकॉन्स होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं केमिकली। दे डू नॉट अफेक्टेड बाय वीक एसिड्स, एल्कलीज, सॉल्ट सॉल्यूशंस और वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर अगर हम इनकी केमिकल स्टेबिलिटी देखें सिलिकॉन्स की, तो वो स्टेबल होते हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता केमिकल्स, जो माइल्ड केमिकल्स जैसे एसिड्स हैं, एल्कली हैं, सॉल्ट्स हैं, सॉल्यूशन है, वाटर है, इन पर इनका कोई रूम टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है, इन केमिकल्स का इफेक्ट नहीं है इनके ऊपर। लेकिन हाई टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो ये किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो लो टेम्परेचर पर तो ये किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बना सकते हैं। और अगर एरोमेटिक ग्रुप्स हों तो एरोमेटिक ग्रुप्स, जैसे आर ग्रुप की जगह पर अगर एरोमेटिक ग्रुप हो, दे इंक्रीजेस ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी। हाई टेम्परेचर पर भी एरोमेटिक ग्रुप्स जो हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो इसलिए केमिकल से ये रिएक्ट नहीं करते हैं, अगर केमिकल से रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्सीजन है और वो भी हाई टेम्परेचर पर। और अगर इसमें हम कुछ ऐसे ग्रुप्स लगा दें एरोमेटिक ग्रुप्स टाइप, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन होने, जो ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए सिलिकॉन्स केमिकली स्टेबल होते हैं। अगर हम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी देखें, दूसरे तरीके की जो प्रॉपर्टी होगी वो थर्मली कितने स्टेबल हैं, क्योंकि हम इनको ऐसी जगह पर यूज कर पाए जहां पर हाई टेम्परेचर होता हो, तो उसके लिए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जरूरी है। कहीं पर भी हम किसी भी मटेरियल का यूज करने वाले हैं तो उसमें स्टेबिलिटी होनी जरूरी है। अब कैसी स्टेबिलिटी है उसके हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। तो यहां पर थर्मल स्टेबल होते हैं ये जो सिलिकॉन्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग हीट स्टेबिलिटी 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये स्टेबल होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इनकी बहुत हाई होती है। अगर हम इनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर देखें, जिसे टीजी कहते हैं, ये क्या है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो ये जो है क्या होता है, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है इनका, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो बहुत कम होता है। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, इस टेम्परेचर पर जो चेन सेगमेंट्स हैं दे लीव देयर लैटिस पोजीशंस बिलो टीजी, पॉलीमर इज रिजिड। पॉलीमर जो है वो टीजी के नीचे क्या होता है, रिजिड होता है। अब आप टीजी पॉलीमर इज इलास्टोमर, पॉलीमर किसकी तरह काम करने लगता है, इलास्टोमर की तरह। तो अगर हमें उसकी इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी चाहिए तो हम टीजी से ऊपर उसका टेम्परेचर ले जा सकते हैं, और अगर हमें रिजिड प्रॉपर्टी चाहिए तो हम जो टेम्परेचर है वो उसका यूज जहां पर कर रहे हैं वहां पर उसका टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, बिलो उसके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि क्या होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये देखिए एग्जाम्पल में तो ये फास्फोरस का पॉलीमर दिखाया है, तो ये फास्फोरस का पॉलीमर अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पॉलीमर में, आप देखिए अगर हम इसको हीट करेंगे तो एक तो ये पहले देखें कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि चेन सेगमेंटेशन जो होता है वो देखिए टूटने स्टार्ट होते हैं। जो चेन सेगमेंटेशन, जैसे इनकी बॉन्डिंग भी बदल जाएगी, ये बॉन्ड यहां से जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड यहां से जुड़ जाएगा, तो चेन फ्रेगमेंटेशन होगा, ये यहां जुड़ जाएगा यहां से टूट जाएगा और ये यहां जुड़ जाएगा यहां से टूट जाएगा। तो चेन फ्रेगमेंटेशन जो है वो चेंज होता है यहां पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन चेन लेंथ, किस पर डिपेंड करता है, चेन लेंथ के ऊपर, और डिपेंड करता है डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग के ऊपर, कैसी उसकी क्रॉस लिंकिंग है। बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर द चेन सेगमेंट ऑफ अ पॉलीमर दे आर फिक्स्ड। वो क्या होंगे, तो चेन सेगमेंट होंगे वो फिक्स होंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, चेन सेगमेंट जो है ब्रेक हो जाते हैं अपनी जगह से
और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है. तो जो सफिशेंटली हायर टेम्परेचर देन टी जी द पॉलीमर इज प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट, वो किस में प्रेजेंट रहता है, मोल्टन स्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. आप देख सकते हैं आफ्टर ट्रांजिशन टेम्परेचर, देखिए ये मोल्टन स्टेट में आ गए, तो जो उनकी जो बॉन्डिंग थी वो कहीं से टूट के दूसरी जगह जुड़ गई और वो उन्होंने डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया. तो ये क्या आ जाती है इसकी, मोल्टन स्टेट. मैं आपको पूरा इसका फिगर दिखा रही हूं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हो रहा है. ये एक पॉलीमर है, ये तो फॉस्फोरस का पॉलीमर है, इसी तरीके से सिलिकॉन के पॉलीमर में भी होगा. यहां पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो बॉन्ड यहां से जुड़ा हुआ था ये यहां से कटा टूटा और ये ऑक्सीजन यहाँ पी से जुड़ गया. तो ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया, जो इनके चेन सेगमेंट थे वो टूट गए, ये यहां से टूट गया और ये यहां जुड़ गया. तो एक चेन जो ऐसे चेन थी हॉरिजॉन्टल, वो चेन आप देख रहे हैं ऐसे वर्टिकल बन गई. देखिए ये वर्टिकल चेन बन गई, जो कि ऐसे थी चेन, अभी वर्टिकल चेन बन गई. तो ये जो है ये कब होता है, मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं जो पॉलीमर्स होते हैं अपने, और जो जो ग्लास टेम्परेचर होगा उसके ऊपर ये मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे और उनके जो चेन सेगमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. तो इसके ऊपर ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इसके नीचे ये रिजिड रहते हैं. ये इनकी थर्मल प्रॉपर्टी है, इनकी पॉलीमर्स की, सिलिकॉन्स की भी होती है, जैसे फॉस्फोरस की होती है ऐसी सिलिकॉन्स की भी होती है. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे सिलिकॉन्स की वो है केमिकल प्रॉपर्टी. तो कैसे ये केमिकल बिहेवियर इनका चेंज होता है, केमिकल बिहेवियर ऑफ साइलेनॉल्स डिपेंड्स अपॉन देयर स्ट्रक्चर. अगर हम साइलेनॉल्स की बात करें तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर. अब देखिए ये जो है, ये जो साइलेनॉल है, क्योंकि इसके पास थ्री ओ एच है तो तीन साइड से ऑक्सीजन जुड़ सकती है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. यहां पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री हैं, तो यहां पर दो साइड से बॉन्डिंग हो सकती है, यहां पर केवल एक साइड से बॉन्डिंग हो सकती है. तो रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ट्राईओल की होगी, साइलेन ट्राईओल की होगी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, फिर डाईओल की होगी, फिर साइलेनॉल की होगी. तो ये रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, जितने ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी. केमिकली साइलेनॉल्स की बात करी हमने. अब अगर हम बात करें पॉलीसाइलोक्सेन्स की रिएक्टिविटी की, तो जो पॉलीसाइलोक्सेन्स होते हैं उनकी जो 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 साइलोक्सेन बॉन्ड होता है वो क्लीव हो सकता है बाई सम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सच एज RMGX, दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स. तो पॉलीसाइलोक्सेन जो है वो रिएक्टिविटी शो करता है, और जो साइलोक्सेन बॉन्ड है वो टूट सकता है अगर किससे रिएक्शन हो पाए उसकी, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, LiAl4 से, या फिर लिथियम एल्काइल कंपाउंड से, एराइल कंपाउंड से, तो वो रिएक्ट कर जाता है. ये डिफरेंट रिएक्शन हैं जो वो शो करता है. ये पॉलीसाइलोक्सेन है, पॉलीसाइलोक्सेन RMGX से रिएक्ट कर सकता है, और रिएक्शन के बाद देखिए ये इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, साइलेनॉल बना दिया इसने. और LiAl4 से भी रिएक्ट कर सकता है, LiAl4 से रिएक्ट करके ये साइलेन बना देगा. ऐसे ये RLiA से रिएक्शन कर सकता है और उसके बाद ये साइलेनॉल का फॉर्मेशन कर सकता है. तो केमिकली ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, RLi से, या LiAl4 से रिएक्ट कर सकता है. ऑलमोस्ट ऑल सिलिकॉन्स शोज वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी. वाटर रिपेलेंट होते हैं क्योंकि उनमें ऑर्गेनिक मॉइटीज भी होती हैं और काफी लंबे लंबे पॉलीमर्स होते हैं, तो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी उनकी होती है. जहां पर हमें जरूरत है वाटर प्रूफ करने की, वहां पर हम इस तरीके के सिलिकॉन्स का यूज कर सकते हैं जिनमें वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होगी. और ये डिपेंड करेगी कि चेन लेंथ कितनी है, किस तरीके के उसमें ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, उस पर डिपेंड करेगी उसकी वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी. फिर इनकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, अधिकतर जो जो सिलिकॉन्स हैं वो इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए जनरली उनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है. इंसुलेटर्स की तरह यूज कर सकते हैं हम उनको, सिलिकॉन्स को. सिलिकॉन्स लिक्विड से विस्कस लिक्विड या फिर उससे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए वो डिपेंड करेगा उनके मॉलिकुलर वेट के ऊपर और एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगी. ये जो प्रॉपर्टी है कि उनकी स्टेट क्या रहे, उनकी स्टेट लिक्विड रहे, विस्कस लिक्विड रहे, या सॉलिड रहे, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, मॉलिकुलर वेट एंड एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग.
तो इस चैप्टर इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हमने पढ़ा सिलिकॉन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी थर्मल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल स्टेबिलिटी, कैसे ये केमिकली स्टेबल होता है, कुछ स्पेशल रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट होता है, जो ट्रांजिशन जो ग्लास टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करती है इसकी प्रॉपर्टीज, जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं। फिर हमने देखा कि जो इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, इट कैन इजीली रिएक्ट विद सम रिएजेंट्स लाइक रिकनार्ड रिएजेंट LiLH4 एंड RLi, एंड इट्स जो जो साइलेनोल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो रिएक्टिविटी होती है, वो डिपेंड करती है कि कितने OH ग्रुप्स उसमें हैं। जितने ज़्यादा OH ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी उसकी होगी। फिर ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी भी डिपेंड करेगी कितनी क्रॉस लिंकिंग है, कितना मॉलिकुलर मास है, कौन से टाइप के ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, उसी के हिसाब से जो इनके प्रॉपर्टीज होती हैं उसी बेसिस पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं कि हमें इन्हें कहाँ पर यूज़ करना है। फिर हम देखेंगे इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अगर देखें तो जनरली ये इंसुलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं जो सिलिकॉन के पॉलीमर्स होते हैं, तो इनको हम वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे हम जो वायर्स हैं उनकी कवरिंग जो होती है वो हम इन सिलिकॉन्स की यूज कर सकते हैं। और इनकी जो 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 स्टेट है, लिक्विड होगी कि फ्लूइड होगी या विस्कस होगी या फिर सॉलिड होगी, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस लिंकिंग एंड किस पर डिपेंड करेगी, जो ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये इस लेक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन। फिर हम जो डिफरेंट टाइप के जो सिलिकॉन्स होते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी क्या यूजेस हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।